अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कहिए आपका क्या हाल है। और अब तक जो मैंने आपको चाइनीज़ डिशेस बताई, आसान, इकोनॉमिकल और फटाफट बन जाने वाली, आपने यकीनन ट्राई की होंगी और उनको इन्जॉय भी किया होगा। अच्छा जी, अब रमज़ान की आमद है। आप लोग तैयारियां कर रहे होंगे कि रमज़ान से पहले घर में क्या बना के रखें। तो जनाब, आज मैं आपको इस हवाले से सबसे पहले एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो कि लाजमन हर मुसलमान घर में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये चीज़ ज़रूर होती है, यानी कि डेट्स। इसको मैंने बहुत दफ़ा रमज़ान में बताया भी है, और जब टीवी पे मैं काम करती थी, उसके अलावा मैं ख़ुद भी इसे बहुत बनाती हूँ। क्योंकि जब अफ्तारी के टाइम पे आप जस्ट खजूरें सर्व करते हैं, तो उसकी निस्बत अगर आप इस तरह से बना के सर्व करें तो ना सिर्फ ग़ज़ाइत के अतबार से, बल्कि उसका जो देखने में है ना, वो भी बहुत अट्रैक्ट करेगी। तो ग़ज़ाइत तो उसकी है ही है। खजूर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फल है जिसमें तवानाई है, उसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो कि इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब बहुत कमज़ोरी थी तो उन्हें खजूर खाने को कहा गया, और गलबन वो खजूर के दरख्त के नीचे ही आराम फरमा रही थी। और इसके अलावा खजूर, मैं समझती थी कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन मुझे ये जान के हैरत हुई कि सबसे ज़्यादा खजूर अमेरिका में इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में भी खजूर इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान में खजूर के दरख्त भी हैं, बहुत सारे दरख्त हैं, बागात हैं। और खजूरों की एक किस्म होती है असील, जिसको सुखा कर छुहारे बनाए जाते हैं। छुहारे इंडिया और पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा बहुत कम किसी और मुल्क में इस्तेमाल होते होंगे जी। तो खजूरें एक ग़ज़ाइत बख्श, खुश ज़ायका और एक लाजमी चीज़ है, ख़ास तौर पे रमज़ान में। तो जनाब, आज मैंने ली हैं खजूरें। सबसे पहली आपको डिश बता रही हूँ रमज़ान के हवाले से। खजूरें लें आप 250 ग्राम पिटेड खजूरें, जिनमें से गुठली निकाल गई हो। आपको कुछ खुश्क मेवा जात चाहिए, यानी ड्राई फ्रूट चाहिए, थोड़ी सी आपको हनी चाहिए, और उसके अलावा एक लीमू का जूस, यानी एक या दो टीस्पून जूस के आपको चाहिए, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इससे पहले कि मैं खजूरों को पीसने के लिए जाऊं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये एक, ये दो और ये तीन और एक दो और हैं। इतनी चीज़ें हैं नट्स को बारीक बारीक करने के लिए। अगर आप को चॉपर में करेंगे तो कुछ तो बारीक हो जाती हैं, कुछ पाउडर बन जाती हैं। तो इसको मैं ऐसे करती हूँ, इसमें डाल के, एक ये तरीका हो गया। अच्छा, इसमें डाल के ज़रा कदरें मोटी होती हैं, इसमें बहुत बारीक होती हैं। ये देखें आप कितनी इक्वल साइज़ की खजूरें हुई हैं। ये इसमें हम, इसमें थोड़े से नट्स डालते हैं, और फिर उसके बाद इसको इस तरह घुमाते हैं और ये इसमें से कटी हुई खजूरें निकल आती हैं। और फिर इसको बंद किया, इसके ऊपर ढकना रखा, इस तरह से नट्स इसमें चॉप हो जाते जी। ये हो गए नट्स चॉप। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं ज़रा खजूरों को पेस्ट बना लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है। इस हैंड ब्लेंडर से मैंने खजूरों को बारीक पीस लिया है। अगर बहुत सॉफ्ट खजूरें हों तो आप उन्हें हाथ से भी मसल सकते हैं। खैर, ये इतनी सॉफ्ट नहीं थी, इसलिए मैंने इनको ब्लेंडर से पीसा है। अच्छा जी, अब इसमें मैं मिलाती हूँ लेमन जूस दो चम्मच, और उसके बाद इसमें मैं मिलाऊंगी हनी, दो तीन चम्मच हनी मिला दें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कितना मिलाना है, बस आपने इसको सॉफ्ट करना है।
ये आपने इसमें हनी मिला दी, लेमन जूस मिला दिया और फिर आप इसमें कुछ मिलाएं नट्स। और इनको करें मिक्स। आप चाहे आधा किलो खजूरों से बना लें, चाहे किलो से बना लें, चाहे उससे आधा भी बना लें तो ठीक है। थोड़े इसमें नट्स और डालते हैं। खजूरों में से गुठलियाँ निकाल के उसमें बादामों को पीस के और थोड़ी सी बलाई में, क्रीम में या मक्खन में उनको मिक्स करके वो भी खजूरों के ऊपर आप भर सकते हैं। जी ये हो गया हमारा मिक्सचर तैयार। अब मेरे पास हैं ये छोटे छोटे से पेपर कप्स। ये क्यूट से पेपर कप। खजूरों को मैंने पीस लिया, उसके बाद उसमें हनी मिलाई, उसके बाद मैंने लेमन जूस मिलाया और कटे हुए उसमें मैंने नट्स डाले। अब हाथों को थोड़ा सा पानी लगाएं या चिकनाई लगाएं और ये छोटे छोटे से इसके आप बॉल्स बना लें। इतने बड़े बॉल्स बनाएं जो कि आपके पेपर कप्स के मुताबिक हों। इनको डालते हैं यहाँ। तमाम बॉल्स बना के आप कटे हुए नट्स के ऊपर उनको रोल करेंगे। ठीक जी, रमज़ान मुबारक आपको और उसके साथ ही आपको एनर्जी गिविंग। एक जो मैं आज की डिश बता रही हूँ ये आप ज़रूर बनाइएगा। खजूरें तो ज़रूरी होंगी आपके घर में इफ्तारी के टाइम पे, लेकिन जब आप इनको बनाएंगे जो मैं आपको हनी डेट बॉल्स बता रही हूँ, ये तो बहुत ही मज़े के भी लगते हैं और ख़ूबसूरत भी लगते हैं। अच्छा जी, ये जो बोर्ड है ये मैंने लिया था उज़्बेकिस्तान के एक कारखाने से, जो कि जिस तरह हमारे यहाँ चिन्योट के कारखाने होते हैं ना, उससे बहुत छोटा एक कमरे के अंदर कारखाना था, जिससे ये मैंने $20 का लिया था। मैंने कहा चिन्योट में अगर मैं जाती अपने मुल्क में तो $20 में पता नहीं कितनी चीज़ मुझे मिल जाती। ये मैंने निशानी के तौर पर ले लिया था। दूसरी तरफ चॉपिंग बोर्ड है और इधर इसमें ये कार्विंग की हुई है। ठीक है, तो मैंने कहा आज मैं इसको ज़रा यूज़ करूँ। अच्छा जी, ये है हमारे पेपर कप्स और इनमें फिर हम रखते हैं ये बॉल्स। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप 250 ग्राम ले लें, 500 ग्राम ले लें, जितनी मर्ज़ी आप, जितनी बड़ी आपकी फैमिली है। और ये तो बना के आप पूरा महीना भी चला सकते हैं। इसको बना के रख लें, फ्रिज में रख लें और आप इसको रोज़ निकालें, अफ्तारी करें और एनर्जी हासिल करें। आपने देखा बादामों को क्रश करने के लिए या ड्राई फ्रूट को क्रश करने के लिए कितनी किस्म की मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। बिकॉज दिस इज़ माई पैशन। एक बच गया है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और अब इसको हम करते हैं आपके लिए सर्व। ठीक जी, तो नाज़रीन रमज़ान के हवाले से ये थी हमारी आज की बहुत ग़ज़ाइयत से भरपूर, बहुत खूबसूरत और मज़ेदार और आसान डिश हनी डेट बॉल्स। इसको मैंने हर रमज़ान में बनाया है, बहुत जगहों पे बताया है और इसको आप बना के पूरे महीने के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं। हर रोज़ निकालें, आप इससे इफ्तारी करें और उसके बाद आप इंजॉय करें। ठीक है, तो इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। रमज़ानी के हवाले से आपको छोटी छोटी आसान आसान बहुत जल्द बनने वाली और ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपीज़ बताती रहा करूँगी। थैंक यू।